star of the day. College girl. She is again starting college at the age of 35. I am not 35. चलो चलो. Guys, अगर आप लोगों ने subscribe नहीं किया तो ये मेरा नया channel है. Please इसे subscribe करो. और भाई झंडा ऊंचा रहे हमारा. एयरपोर्ट में हम इतने गरीब हो जाते हैं कि देसी खाना इतना महंगा हो जाता है, लेकिन पिज्जा खा सकते हैं हम लोग. क्या पहले चेहरा एकदम ना तरबूज की तरह है ना, ऊपर से लगा लिया है. दोस्तों आज का दिन बहुत ही खूबसूरत दिन था बाहर घूमने के लिए. एंड जैसे कि आपने सुना ही होगा कि बेंगलुरु का जो मौसम होता है वो यहाँ की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल एस्पेक्ट है बैंगलोर में रहने के लिए. एंड तो गाइस मैं पहुंच चुका हूं कोर बंगला अपने फ्रेंड के घर, और आप सोसाइटी देखिए काफ़ी अच्छी है. तो प्लान हमारा ये है कि हम यहां से आएंगे एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट से फिर अपने फ्रेंड को ड्रॉप करेंगे जो कि कॉलेज जा रही हैं, टूर पे निकल पड़ेंगे. और आप सोसाइटी देखो भाई कोर बंगला की, भाई साहब हरियाली हरियाली. सस्टेनेबल वे में रहना, गाय मस्त आपकी घास काटेगी, आराम से खाएगी पिएगी, और आपको घास कटवाने की जरूरत भी नहीं है. एंड साथ ही हम अपने फ्रेंड को कॉलेज के लिए ड्रॉप करने जा रहे थे. शी इज गोइंग फॉर एमबीए वन ईयर के लिए. शी विल नॉट बी हियर. ये जा रही है. आईएसबी दिस इज आवर न्यू कैरेक्टर. दो कैंडिडेट न्यू कैरेक्टर मिस्टर मनीष द बियर्ड मैन. हां ये बैग किसका है? छोटू का. मेरा है आपसे. शिट. पहले हम लोग अंकिता को ड्रॉप करेंगे एयरपोर्ट, वहीं पे बंडी मिलने वाला है हम लोगों को. तो जो आज की ट्रिप है वो इसके बाद वाली यानी कि सेकंड पार्ट ऑफ द व्लॉग में आने वाली है, जहाँ पे आप देखेंगे कि हमारी गाड़ी भी खराब हुई. बाहुबली. उसके अलावा खूबसूरत सी जगह, भाई ये जगह लिटरली बहुत खूबसूरत थी. हम लोग देखते देखते कम्प्लीटली क्लाउड्स में मिस्ट में कवर हो गए थे. एंड मैं इस चीज को इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी खिंच जाती. So Zoya is ready with her new clothes again. Yes, ये मुनीश है नया कैरेक्टर, एंड शी इज द स्टार ऑफ द डे. कॉलेज गर्ल. शी इज अगेन स्टार्टिंग कॉलेज एट द एज ऑफ 35. आई एम नॉट 35. तो अगेन आप देखिए बैंगलोर में बारिश में रोडे हरियाली ग्रीनरी चारों तरफ पेड़ जो है पार्क सब कुछ कितने खूबसूरत लग रहे होते हैं. एंड जो अब एक आने वाला है वो एक विंटेज एक हेरिटेज प्लेस है. काफ़ी ओल्ड बिल्डिंग है ये, आप यहाँ देख सकते हैं टाइटल भी लिखा हुआ है लोकेशन का. एंड जो बगल में है वो कब्बन पार्क है. मैं एक दिन टूर कराऊंगा इस कब्बन पार्क का. ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेस इन बैंगलोर, जहाँ पे आपको सेंटर ऑफ द सिटी में ग्रीनरी कम्प्लीटली सराउंडेड बाय ग्रीनरी आपको ये सुकून भरी एक जगह मिल सकती है. अगर आप नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ, विजय माल्या की काफ़ी एस्टैब्लिशमेंट्स यहीं पे हैं. दुनिया का सवाल था कि क्या ये असली है. सो अब हम जिस तरह बढ़ रहे हैं आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड में हमारे गोल्फ कोर्स आने वाला है. ये है भाई गोल्फ कोर्स, अमीरों की जगह. हमें देख के ऐसा लग रहा है कि देखो देखो खेल रहे. मैं तो वहाँ जाके बस घास काट सकता हूँ फिलहाल. बॉल उठा सकता हूँ लोगों की, लेके भाग सकता हूँ. सो अब हम बढ़ रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ. एंड फैक्ट्स हैं अबाउट बैंगलोर के बारे में कि यहाँ का एयरपोर्ट बहुत ही खूबसूरत है. तो जब हम लोग स्टार्ट ही करते हैं आप देखिएगा कि काफ़ी बिल्डिंग्स साइड में दिख रही हैं प्लांटेशन के साथ. एंड टू एंड ब्रिजेस हैं, हम लोग मतलब हाईवे ब्रिजेस फ्लाईओवर्स इन्हीं के ऊपर चल रहे हैं बैठ. जब हमें ये छोटा सा माउंटेन दिखता है तो हमें पता चल जाता है कि नंदी हिल्स का रास्ता बहुत ही क्लोज है. तो आप पीछे देख सकते हैं कि सब लोग थोड़े से टेंस्ड सैड से खोए खोए से लग रहे हैं. एंड एयरपोर्ट जस्ट एंटर करने से पहले ये काफ़ी बड़ा टोल गेट है, टोल प्लाजा. तो फुल कवरेज ऑफ एयरपोर्ट में किसी और दिन दिखाऊंगा, अभी आप सिर्फ स्निपेट्स देख सकते हैं जिससे आपको काफी आइडिया लग जाएगा कि क्यों वो इतना फेमस है, क्यों इतना खूबसूरत है. बहुत जैसे यार आ रही है मेरे को. तो देखो बंदे एयरपोर्ट आते हैं ट्रैवल करने के लिए. यहाँ पे हमारे दो बंदे एयरपोर्ट वॉशरूम खोज रहे हैं. सेंटर ऑफ अट्रैक्शन. तो हम लोग आ गए हैं बैंगलोर एयरपोर्ट पे. कितना अच्छा है बैंगलोर एयरपोर्ट, लुक एट दिस. एक्चुअली फीलिंग आ रहा है कि हम लोग जा रहे हैं. तो ये हमारी कॉलेज गर्ल, और इनको हो रहा है लेट तो निकलना पड़ेगा बहुत ही जल्दी. इस मास्क के पीछे कौन है, लिंक डाल देंगे इंस्टाग्राम का. देखो इवेंचुअली ये लाइन घूम के उधर जानी है. बोर्डिंग के लिए जाना है.
बहुत लंबा लाइन है देखो, बहुत लंबा लाइन है। 9:36 एंड उसके बाद पता नहीं कहाँ पे जॉब लगे, प्लेसमेंट लगे, एंड इसलिए सब लोग काफी सैड थे, बिकॉज वो फीलिंग आती है ना कि वी विल बी मिसिंग समवन, समवन जिसको हम लोग रोज देखते थे, हर वीकेंड में मिलते थे। भीड़ देखो कितना लगा, ये सिर्फ अंदर जाने की भीड़ लगा और ये जा रही है अंकिता, हमारी अंकिता, या उसका पूरा नाम ही है हमारी अंकिता। अरे बंटी का फोन आ रहा है, हेलो। अगर आप उधर वाला देखें तो उधर भी डिपार्चर लाइन काफ़ी लंबी लगी हुई है। बेसिकली अगर आप ट्रैवल कर रहे हो और वीकेंड है, तो वीकेंड में कोशिश करिए कि अगर आपकी फ़्लाइट 12 बजे की है तो आपको डेफिनेटली 9 बजे एयरपोर्ट पहुंच जाना है फॉर श्योर। बहुत लंबी लाइन लगी, सिक्योरिटी मेजर्स हैं। बाय बाय। हर छोटा सिक्योरिटी मेजर इंपॉर्टेंट होता है। अंदर वहाँ पे रेस्टोरेंट में कुछ लोग खा रहे हैं और बंदा एक जस्ट वहीं पे खड़ा हुआ है, देख रहा है कितना अनकंफर्टेबल लग रहा होगा, फिर मैं देख रहा है खा क्या रही है। सो ये वीडियो सिर्फ अंकिता के लिए डेडिकेटेड है, हु इज लीविंग फॉर अ बेटर फ्यूचर। वो अपनी एजुकेशन पे अगेन अपनी टाइम एंड अपनी मनी इन्वेस्ट कर रही हैं। एंड सो गाइस, दिस इज एन इंस्पिरेशन कि हमें कभी भी पढ़ना, कभी भी आगे बढ़ना, रुकना नहीं चाहिए जिंदगी में, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। नेक्स्ट व्लॉग में हम लोग आपको इसके आगे की कंप्लीट ट्रिप दिखाने वाले हैं। ये हो रही है बैंगलोर की सफाई। इधर से आप एंटर करते हैं और इधर से आप अंदर जाते हैं और इधर आपको खाने पीने के स्टॉल्स, शॉपिंग के स्टॉल्स, ये सब मिलेंगे। यार ये होता है आइडिया, जब वो पालने का ना तब पता चलेगा। ध्यान से देखिए, एयरपोर्ट पे बैठ के इडली खाई जा रही है, 210 रुपए की 3 कॉफी। यहाँ पे हमारी कॉफी बनेगी बहुत ही बेहतरीन। थैंक यू। चाय पे चलता है इंडिया, चाय पे चलता हूँ मैं। तो देखो एयरपोर्ट पे हमारा हो रहा है मॉर्निंग का नाश्ता और ये इकराम की सैंडविच। ओवर एक्टिंग की दुकान, कद्दू लग रही है इसमें। एक क्या पहले एक चेहरा है ना तरबूज की तरह है ना, ऊपर से ही लगा लिया है। ये ऐसा लग रहा है फुटबॉल के ऊपर कवर कर देते ना बच्चे खेलने, बोल के कपड़ा बांध देते हैं। ये देखिए, हाँ आशिकी चल रही है, आशिकी। हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, लड़ रहे हैं कौन कहाँ बैठेगा। Be careful, Anand, your hand is near wheel, so be careful. Ahubali! बंटी हमारे वहाँ पे खेतों के बीच में, मैरीगोल्ड फ्लावर्स के बीच में जा चुके हैं। आपको इसके आगे की कंप्लीट ट्रिप दिखाने वाले हैं, जहाँ पे हम लोग घूमने जा रहे हैं और ट्रस्ट में गाइस वो बहुत ही खूबसूरत होने वाली है। सो टिल दैट, सी यू अगेन, सी यू सून गाइस। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है तो, एंड कुछ इम्प्रूवमेंट्स हो तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दशहरा आने वाला है, दिवाली आने वाली है, ईद आने वाला है, मतलब त्योहारों का पूरा माहौल, पूरा मौसम आने वाला है। सो इन्जॉय योर सेल्फ एंड स्टे सेफ। सी यू सून गाइस, बाय। बंटी की गर्लफ्रेंड, यार इतना बेहतरीन रूम मिलता है लेकिन पैसे बहुत लगते हैं। बस 35 लाख, ज़्यादा नहीं।